उत्तराखंड में मौजूद खूबसूरत वादियां सैलानियों को अपनी ओर हमेशा आकर्षित करती हैं। इसीलिए देश विदेश के पर्यटक उत्तराखंड का घूम सके, इसको लेकर सरकार पूरी तरह गंभीर है। इसके स्थानीय लोगों को रोजगार भी मिल रहा है, साथ ही साथ सरकार को भी इन पर्यटकों से मुनाफा मिल रहा है। देहरादून के डोईवाला विधानसभा में एक पार्क है, नेचर पार्क लछीलावाला, जहाँ प्रत्येक वर्ष लाखों की तादाद में सैलानी सुकून के पल बिताने पहुंचते हैं। इस पार्क में पर्यटकों को और भी अच्छी सुविधा मिल सके, इसको लेकर डोईवाला विधायक ब्रजभूषण गैरोला ने पार्क का निरीक्षण कर पार्क को और भी डेवलप करने की बात कही और आचार संहिता खत्म होने के बाद इस पार्क में शीघ्र कार्य कराए जाने के निर्देश वन विभाग को दिया। साथ ही पार्क को और बेहतर बनाए जाने को लेकर भी विभाग के अधिकारियों से वार्ता की। डोईवाला से जावेद हुसैन की रिपोर्ट। कुछ जनप्रतिनिधियों ने यहाँ पे बताया कि जो ये हमारा नेचर पार्क पुस्ते का निर्माण का कार्य चल रहा था, जो यहाँ पर अपने नहाने का स्विमिंग करने के लिए यहाँ पे हमारे टूरिस्ट आते हैं, तो वो क्या कहते हैं उसमें जो प्रोटेक्शन वाल जो होना चाहिए था वो निर्माण कार्य से उसमें ढह गई गिर गई है। तो मैं आज यहाँ पे निरीक्षण करने आया हूँ और मैंने कहा ये पुस्ते का काम जो है पक्का काम होना चाहिए, जिससे कभी कोई दुर्घटना हो सकती है। अभी तो चलिए माना कोई टूरिस्ट नहा रहा है, स्विमिंग कर रहा है, उसी के ऊपर कोई पत्थर गिर जाए, उसके नीचे दब जाए, कोई कैजुअलिटी भी हो सकती है, खतरा बना हुआ है। तो इस पर मैंने यहाँ पे इसका निरीक्षण किया है और मैं उच्च अधिकारियों से भी इस पर बात करता हूँ और इसके लिए मैंने कहा है कि इसको पूरा प्लान बना करके हमारे पास प्रपोजल लेकर के आए, जिससे हम इसको अच्छा से अच्छा व्यवस्थित तरीके से इसको ठीक से काम करवा दें। हमने ये पुस्ता बनाया था वायर क्रेट वाला, तो इसमें जो है अभी कुछ शरणार्थी लोग आए थे, उन्होंने उसका तार काट दिया था इसमें, तो कुछ इसमें जो है पत्थर गिर गए थे, तो उनको हम बना रहे हैं अभी और वो लगभग ठीक हो गया है। अभी आज कंप्लीट हो जाएगा वो कुछ पर्स में, वो सूखी दीवार थी वायर क्रिएट की और वो तार टूटने के कारण जो है गिर गया था, तो ठीक हो जाएगा।